हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोशनी एंड वेलकम टू लर्न टू ब्लूम। हम सभी को मैंगो जैम खाना बहुत पसंद होता है, पर हम रोज़ रोज़ तो बाहर का स्टोर बॉट मैंगो जैम खा नहीं सकते, एज उसमें बहुत प्रिजर्वेटिव और कलर ऐड होता है, एज इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। सो मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज बहुत ही अच्छा मैंगो जैम की रेसिपी, जो बस 3 इन्ग्रीडियंट से बन जाती है। तो ये मैंगो जैम बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैंगो प्योरी। तो मैंने क्या किया, 4 से 5 आम को लिया और मिक्सर ग्राइंडर में डाल के बिना पानी डाले उसे ब्लेंड कर लिया। ओके, आपको याद रखना है बिना पानी डाले आपको मैंगो का पल्प का प्योरी बनाना है। तो मैंने अब उसमें मिलाया है 1.5 कप चीनी। तो चीनी मिलाने के बाद हम इसे नियंत्रित चलाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम में। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज हियर, आप जब भी मैंगो चूज़ करें ना अपना मैंगो जैम बनाने के लिए, तो आप थोड़ा पल्पी वाला मैंगो लीजिएगा, ना कि जिसमें बहुत फाइबर हो, बिकॉज फाइबर वाला मैंगो से मैंगो जैम अच्छा नहीं बनता, बहुत धागे धागे निकलेंगे उसमें। ओके, सो आप थोड़ा पल्पी वाला मैंगो लीजिएगा। तो देखिए अराउंड 10 मिनट्स हो चुकी है इसे बॉयल होते हुए और ये थोड़ा ग्लॉसी भी दिखने लग गया है। और तो फिर 10 मिनट्स बाद जब थोड़ा ग्लॉसी दिखने लग जाए, थोड़ी गाढ़ी हो जाए, तो हम इसमें मिला देंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस। तो लेमन जूस एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है इसमें, एज हम कोई एडिशनल स्टोर बॉट प्रिजर्वेटिव तो ऐड नहीं कर रहे, तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं लेमन जूस। तो देखिए अब लेमन जूस मिलाने के बाद मैंने इसे लीड से ढक दिया। लीड से ढकना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ना ये बहुत स्प्लैश आउट होगा, तो बहुत उछलता है, जैसे जैसे ये गाड़ी होती है ना बहुत उछलता रहता है। तो जब लीड से ढकने के बाद मैंने 10 मिनट बाद लगभग लीड को खोला और जब देखा तो बहुत गाढ़ी हो चुकी है ऑलरेडी ये। तो फिर हाँ, जब आप लीड से ढको ना तो इसको एकदम मीडियम पे एकदम लो फ्लेम पे ढकिएगा। ओके, अदरवाइज वो क्या होगी, नीचे से आपकी चिप जाएगी। तो देखिए अब मैंने टेस्ट करने के लिए इसे एक प्लेट में डाला है और देखिए एकदम स्टिक है ना, एकदम फ्लोट नहीं कर रहा। फ्लो नहीं कर रहा मतलब हम लोग का मैंगो जैम एकदम बन के तैयार है। सो दिस इज हाउ वी मेक मैंगो जैम, इट्स वेरी इजी टू मेक। सो मैं रिकमेंड करूंगी आप सभी को ये मैंगो जैम बनाने की। देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, लगता है ना स्टोव बॉट टाइप, आप सभी इसे बहुत पसंद करेंगे। और आप ये बना के भले 1 साल तक फ्रीज में रखो, आप वैसा के वैसा ही रहेगा और टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक देम प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर